क्या कहते हो तुम? गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। मैं बताता हूँ तुम्हें, हमेशा ये नहीं होता कि सर तन से जुदा होते हो, कई बार हम तन को तन से जुदा कर देते हैं, बीच में से चीर देते हैं। इसलिए अंडर एस्टिमेट मत करना। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है नेशनलिस्ट मीम वाली वीडियो में। तो बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, मोस्ट ऑफ द व्यूवर ऐसे हैं कि जो वीडियो देख लेते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय भीम की मेरी ताकत का अंदाजा मत लगाओ पंडितों, कि मेरी ताकत का अंदाजा मत लगाओ पंडितों, मैं तेरे भगवान को छू लूँ ना तो वो भी अपवित्र हो जाता है। तेरा बाप। रुको जरा, सबर करो। मेरे पंडितों भाइयों, मैं गौतम कुमार, ग्राम पिपरा मोरा, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर, तेजनावश व भ्रमवश अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया था। मैं सभी पंडितों भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आइंदा ऐसी गलत शब्द का उपयोग नहीं करूँगा। मैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाऊँगा, और ना ही मैं गरीब परिवार से बहुत हूँ। मैं एक दिन मजदूरी करता हूँ तब जाकर खाना मिलता है। मैंने आप लोगों के खिलाफ जो कुछ भी डाला है मैंने सब डिलीट कर दिया है। आइंदा भविष्य में मेरे से ऐसा कभी गलती नहीं होगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। आगे स्वाद। होली का पर्व साल में एक बार आता है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई मैंने पूछा भी क्या तैयारी है, कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं। साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। होली पूरी मनेगी और साथ साथ मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं से इस बात की अपील करिए कि जुमे का समय 2 घंटे आगे बढ़ा दें। लाइसेंस कार्ड बाइगिरी चालू आए का? अरे क्या बोल रहे हैं, लाइसेंस कार्ड लाइसेंस। अरे काय का लाइसेंस यार? अरे साहब हम लोग अंदर के छोकरे लोग हैं यार, अभी हम लोग का काय का लाइसेंस और पेपर? अब्बास साहब नया आयला है। ऐसे कितने साहब आते जाते यार, बन पाव भी लेके आना। बताया क्या गलती से कर हेलो। हाँ हाँ सर, बात करनी है। बिल्कुल, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं सुरेश चौहान के, बोलिए। हाँ मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। हाँ वाह, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। इसका जवाब क्या देना है दुर्भाग्य से मुझे पता नहीं, लेकिन वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वालेकुम सलाम कहिए, राम राम कहिए। जी वालेकुम अस्सलाम कहिए। बिल्कुल, वालेकुम सलाम कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं 33 करोड़ भगवानों को मानता हूँ, 2-4 भगवान और मेरे लिए उतने ही पूज्य है जितने 33 करोड़ है। आपको भी राम राम कहना चाहिए मेरे जवाब में। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है कि आप पे रहमत नाजिल हो। बिल्कुल, मैं आपका आभारी हूँ, आप मेरे पे भगवान को रहमत करने के लिए कह रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मैंने राम राम कहा है तो आप भी राम राम कहिए। नहीं मैं कैसे राम राम कहूँगा। तो चलिए फिर भी राम आपका भला करे मैं कहना चाहता हूँ। और फिर भी भाई साहब आपने कहा कि मैं कैसे राम राम कहूँ, आपने तो राम राम बोल दिया। अरे भाई फोन काटने की जरूरत नहीं। सर देखो हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना जी, वो छोटा सा झाड़ है ना जी, हाँ वहाँ पर होगी। सर इंजीनियर साहब आपके हुक्म के मुताबिक ही काम कर रहा है सर। वेरी गुड। अच्छा सुनो, हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना वो 400 फीट नीचे होनी चाहिए और सिर्फ 100 फीट ऊपर होनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता न लगे कि हमारी फैक्ट्री कितनी बड़ी है। है? और हमारा हेलीकॉप्टर, तुम वहाँ पर हेलीपैड बना वहीं पर उतरेगा। हाँ। और पिछली तरफ
पिछली तरफ तुम रेलवे प्लेटफॉर्म बनाओ। रेलवे प्लेटफॉर्म वो किस लिए सर? माल कहाँ उतरेगा? इस पूरे पे एक मंजिल और चढ़ा दो। ये पूरे एल को, ये पूरा एल जो है ना, इसको डबल कर दो। और जितने भी इसके अंदर ये है डबल डबल ये छह है, नहीं नहीं सारे 47 क्लासरूम बनाएंगे। ये वाला ब्लॉक है, एक स्टेयरकेस और चढ़ाओ, यहाँ पे स्टेयरकेस नहीं चढ़ाओ एक और। ये जो ब्लॉक है ना इसके ऊपर और इसके ऊपर, बस दो ही ब्लॉक ले लेना और किसी को नहीं करना। इन दोनों के ऊपर एक लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाओ और जितने भी हमारे लैब्स हैं, क्लासरूम है, 12 कमरे का नहीं, स्टाफ रूम वगैरह भी इधर ले जाओ, सेकंड फ्लोर ले जाओ। और मुझे लगता है ये जो बिल्डिंग है ये भी जीप पसंद नहीं है। देखो जुड़ ये भी सकता है, जोड़ने से फायदा क्या होगा कि थोड़ा इजी रहेगा। इसमें जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो और इसको पूरे पे एक फ्लोर बना दो। कुछ पत्रकारों के नाम आया है, आपने कहा इनके ऊपर जासूसी कर दी पेगासस लगा के। आप एक लॉजिकल बात सोचिए, करोड़ों रुपए लगा के पेगासस लगाएंगे इनके ऊपर कोई भी आदमी? एक पत्रकार है, बहुत जानी मानी पत्रकार है, उनके पास एक ईमेल आया कि आप हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं, कल से हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं। यह वेरीफाइड ईमेल था, उन्होंने मान लिया कि वो हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं और उसको क्लिक कर दिया और एक साल तक हार्वर्ड की प्रोफेसर बनी रही। बताइए इतने तो ये इंटेलिजेंट है, इनके ऊपर 1,000 करोड़ खर्चा करके कोई पेगासस लगाएगा? अरे इनके ऊपर तो ऐसे ही जासूसी हो जाएगी, कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खेरा जासूसी कर देगा इनके ऊपर। जो तुम्हारे भाई बहन हैं जिन्हें तुमने जाहिल और गरीब बना के रखा है, वो इस देश के हिंदुओं के पैसे से कमाई सब्सिडी से उनको गैस भी मिलती है, चूल्हा भी मिलता है। देते वक्त उसने ये नहीं देखा कि किसका बर्तन ताम चीनी का है और किसका तांबे का है, ये नहीं देखा उसने। तुम उसकी जात पे शक करते हो, ऊपर वाला देख रहा है, लाइन से भेज रहा है, उसको मालूम है कि इस्लाम के मानने वाले पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं और उस अल्लाह को भी जलील कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे भेज रहा है। एक से दिल नहीं भरा, उसने यूपी में भी भेज दिया। इस बात का घमंड मत रखो, उसकी लाठी दिखती नहीं है, कमर टूट जाती है। बहुत उत्पात मचाते हो और बार बार कहते हो हम देश तोड़ देंगे, ऐसी तोड़ी है इस बार के चिल्ला के कह रहे माफ कर दे मेरे माला, चिल्ला रहे हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर के सामने, बारे माफ कर, एक बार माफ कर दो। 3-3 लाख का बिल भेजा है घर पे, बस जलाते हुए पकड़े गए थे, पैसा पैसा भर। अमन जी ऐसा है कि भारतीय निकम्मी पार्टी भी एक है, निकम्मी पार्टी नेशनल कांग्रेस है, और जैसा आपने कहा ना सारी पार्टियां आ रही हैं और घेरने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये बात याद रखिए जब प्रमाण और सच्चाई आपके पक्ष में ना हो तो 10 गीदड़ भी आ जाएं तो शेर को घेर नहीं सकते हैं। So, दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों, और इस तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।